टॉप 3 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन्स अंडर 12,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के समय पर सैमसंग की तरफ से कोई अच्छा और पावरफुल स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर आपको तगड़े कैमरास मिल जाए, अच्छी खासी परफॉर्मेंस हो, लंबी चलने वाली बैटरी हो, 5G का सपोर्ट हो, साथ ही साथ एक अच्छा लुक हो, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक 4G स्मार्टफोन की। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अभी भी अगर आप यहाँ पर 9 से 10,000 रुपए के दर सैमसंग की तरफ से कोई अच्छा फोन ढूंढ रहे हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F13 या फिर M13। फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे हैं। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली PLS LCD पैनल, जो कि दोस्तों TFT से थोड़ी सी बेटर होती है। साथ ही आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और सेल्फी के लिए आपको मिलता है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेंसर। सो देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है और आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और रही बात आउटपुट की तो डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर सैमसंग का एक्सिनोस 850 का चिपसेट, और दोस्तों ये चिपसेट 8nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर गेमिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं करा पाता, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 1.5 लाख के आसपास स्कोर करता है, यानी कि डिसेंट फोन है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल टास्क वगैरह के लिए फोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर डिसेंट मिलेगी। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है, जहां पर 15 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो यहां पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत जल्द आपको यहां पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। सो फोन डिसेंट है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको अभी देने होंगे लगभग 9,500 रुपये। और बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली PLS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, अप टू 500 निट्स तक की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरास की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है। आउटपुट की बात करें भाई तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको 5nm बेस एक्सिनोस का 1330 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये कॉम्पिटिटर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि गेमिंग आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता, लेकिन आपको डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में 6000mAh का बड़ा सा बैटरा आपको मिलता है, और साथ ही साथ ये फोन 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो ओवरऑल बैटरी तो अच्छी है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो और ज्यादा अच्छा होता। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और तो ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोर एडिशन देखने को मिलता है। पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो फोन है ये आपको लगभग सभी 5G बैंड के सपोर्ट के साथ में मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस समय 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,490 रुपए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी F15 की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है,
लेकिन बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि 9.3 mm की थिकनेस और 217 ग्राम का है, तो थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्की जरूर है, लेकिन यहाँ पर बैटरी भी ज्यादा दी गई है, जिस वजह से स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवियर साइड देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आपको बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी, और साथ ही 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट भी आपको दिया गया है। हालांकि यहाँ पर पंच होल डिजाइन होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी वो आपको काफी कमाल की मिलती है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है दोस्तों कि फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है, और यहाँ पर आपको डे लाइट साथ ही साथ लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाती हैं। वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा अप टू 30 FPS, और यहाँ पर आपको जायरो EIS का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही आपको यहाँ पर VDIS यानी कि वीडियो डिजिटल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियोस है वो भी ब्लर नहीं होंगी, यानी कि आपको यहाँ पर डिजिटल स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट, और दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑन द पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर अप टू 40 FPS तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलने वाली है। बात कर ले पावर हाउस की, तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है जो कि 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप वाली पोर्ट दी गई, तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है, बैटरी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस 1 UI 6 पर रन करता है, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 4 साल तक के मेजर अपडेट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 18 तक का सपोर्ट मिल जाएगा, तो 4 साल के लिए तो नो टेंशन, और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी नॉक्स सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, सो आपको यहाँ पर 5G यानी कि फ्यूचर के लिए भी कोई टेंशन नहीं आने वाली। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB RAM 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे ₹12,999, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्मार्टफोन का 6 और 128 वाला वेरियंट भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा ₹14,999 की कीमत पर। वैसे दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो इसी के साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।